हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज वीज़ गॉन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको पसंद है वीडियोस देखना ब्यूटी फैशन लाइफ से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बात करें आज की वीडियो की, सो आज क्या वीडियो होने वाला द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल, क्योंकि एवर सिंस आई पोस्टेड अ वीडियो रिलेटेड टू मैक्सी ड्रेसेज एंड मीडी ड्रेसेज, मुझे तब से ही बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि दिस आप कुछ मैक्सी ड्रेसेज में, कुछ मीडी ड्रेसेज में, कुछ ट्यूनिक्स में कुछ ऑप्शन दिखाइए। सो आज सबकी आपकी विश मैं पूरी करने वाली हूँ। सो आज का कलेक्शन होने वाला है मिक्सी मिडी ट्यूनिक स्पेशल। जी हाँ, सो आज के किचन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रेंडी स्टाइलिश फ्लोई ब्रिजी ड्रेसेस। इसमें आपको मिक्सी ड्रेसेस देखने को मिलेंगी, मिडी ड्रेसेस देखने को मिलेंगी, ट्यूनिक्स देखने को मिलेगी। सो बेसिकली ये कलेक्शन अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए आपको कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए, या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आपको अच्छी सी कुछ मिक्सी ड्रेसेस ट्यूनिक्स चाहिए, एंड अगर आप डेली वेयर के लिए लाइक समर्स की शॉपिंग कर रहे हैं, समर के लिए आपको बेसिकली मिक्सी मिडी ड्रेसिंग या ट्यूनिक्स चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड ऑल्सो मैं बता दूं कि सारा ही कलेक्शन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। होता है कि हमारे पास ज्यादा वेराइटी हो तो फिर बजट थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें खरीदनी है तो फिर होता है थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन ले ले ताकि हम ज्यादा चीजें ले पाए। सो कलेक्शन बहुत ह्यूज है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा कलेक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली, सारा मैंने अमेज़न से बाय किया है। बाइंग लिंक विच इज अ सिंगल माय हॉल पैक स्टोर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आप इस ड्रेस के बारे में पूछने वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर बाय करी थी, बहुत टाइम हो गया इसको बाय किए, तो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि अभी अवेलेबल होगी या नहीं। अगर होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फॉर श्योर, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं होगा लिंक। फर्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, मुझे पिक्चर में भी बहुत अच्छी लगी थी। सो ये येल्लो कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली ड्रेस है, बहुत ही समरी वाइब दे रही है, बहुत ही इजी ब्रीजी, बहुत ही फ्लोई है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, कुछ इसी तरीके का नेक है इसका, जैसा मैंने अभी ये नेक पहना हुआ है ना स्क्वायर में, इसी तरीके का है, एंड पैटर्न भी इसका ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो आई एम श्योर आपको ये भी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी ये स्क्वायर नेक में, एंड यहाँ पे पूरा एरिया ये इलास्टिकेटेड है, स्मोक्ड ड्रेस है बेसिकली ये। सिमिलरली ये भी जो ड्रेस है ये भी स्मोक्ड है, ये भी पूरी फुल इलास्टिकेटेड है, तो इनका फिट बहुत अच्छा आता है। सो ये बस्ट एरिया पे बहुत अच्छे से आपको ड्रेसेस सेट हो जाती हैं। सो सिमिलरली ये भी इसी तरीके की है, पूरा ये एरिया आपको इलास्टिकेटेड मिलता है, एंड नीचे से पूरी ड्रेस ये फ्लोरल प्रिंट में है, पूरी फ्लोई ड्रेस है, प्रॉपर स्प्रिंग समर कलेक्शन आप इसको पीस को बोल सकते हो, एंड मुझे सीरियसली में बहुत सुंदर लगा है ये पीस, एंड बहुत फ्लोई, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब पहना हुआ आपको लगेगा ही नहीं कि इतने सुंदर आपने, मतलब थोड़ी सी अच्छी दिखने वाली ड्रेस पहनी है, बहुत इतनी ज्यादा, सो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ड्रेस पहनने में। एंड साइज मैं आपको बता देती हूँ, साइज मैंने इसमें लिया है एक्सेल साइज है ये, एंड स्टाइल स्टोन है ये ब्रांड जिससे मैंने ये बाय करी है, एंड इसकी स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके की फ्रिल में मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको इलास्टिक मिलता है कुछ यहाँ पे भी, बाकी ट्राई ऑन में आपको बेटर आइडिया लग रहा होगा। फुल लेंथ है ये ड्रेस, मेको फुल लेंथ से एंकल लेंथ से थोड़ी सी ऊपर तक आ रही है क्योंकि मेरी हाइट 5'7" है। यहाँ पे भी आप फ्रिल का पैटर्न देख सकते हो, नीचे आपको लाइनिंग मिल जाती है इस ड्रेस के नीचे, बहुत अच्छी लाइनिंग है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, फैब्रिक क्वालिटी इज जस्ट सुपर्ब। सो डेफिनेटली अगर आपको पसंद है ये कलर, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, मुझे सीरियसली मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लगी है। सो भी देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो गेन फ्लोरल प्रिंट में है, क्योंकि स्प्रिंग समर कलेक्शन की अगर हम बात करें ना तो फ्लोरल प्रिंट बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब बहुत ही अच्छी समरी वाइब देता है। सो ये भी अगेन थोड़ा सा बेज कलर में है ये, बट पूरे ड्रेस पे आपको फ्लोरल प्रिंट मिलता है बहुत सुंदर वाला। सो ये ब्रांड है रेयर, बहुत इस ब्रांड की क्वालिटी बहुत सही होती है, एंड जॉर्जेट है इसका भी अगेन फैब्रिक, एंड अगेन मैं बोलूंगी कि अगर आप मैक्सी ड्रेसेस बाय कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जॉर्जेट फैब्रिक में बाय किया करो, क्योंकि उसका फॉल बहुत अमेजिंग आता है, एंड कोई आइनिंग का इशू नहीं होता, आप जितनी बार मर्जी पहनो, जैसे मर्जी जहां मर्जी रखो, एज इट इज आप निकालोगे तो आपको कोई भी, मतलब इसकी टेक केयर नहीं करनी पड़ती फैब्रिक, इस फैब्रिक की इतनी। सो ये देखो आप, कुछ इस तरीके का फैब्रिक है ये जॉर्जेट में, कि बिल्कुल भी आप सिलवटे नहीं देख पाओगे इस पे, इतना अच्छा सही वाला इसका फॉल आता है, एंड इसके जो स्लीव्स है ना वो बहुत ही प्यारी फ्रिल में आपको स्लीव्स मिल जाती है प्रिंसेस कट में कुछ, एंड वी कट में आपको दोनों तरफ से वी कट की डिटेलिंग मिल रही है नेक के ऊपर,
एंड बहुत प्यारा कलर है ये। इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाता है, अगर आपको वो चाहिए वो भी ले सकते हो। सो बेसिकली इसका फ्लेयर स्टार्ट होता है, फ्लेयर भी इसका बहुत माइंड ब्लोइंग फ्लेयर है, बहुत सुंदर फ्लेयर है इसका। सो इसके नीचे भी आपको लाइनिंग मिल जाती है, बहुत सॉफ्ट है लाइनिंग का फैब्रिक भी। क्वालिटी सीरियसली में बहुत सुपर्ब क्वालिटी है इसकी, बहुत अमेजिंग फैब्रिक है। सो कुछ इस तरीके का फैब्रिक है कि आपका सालों साल चलने वाला है, कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कलर भी ब्लीडिंग का इशू नहीं होगा आपको, ना ही कोई श्रिंक का इशू होने वाला है इसमें। कुछ इस तरीके का फैब्रिक है इसका। साइज मैंने इसमें एल लिया है, ब्रांड है ये रेयर। सो अगर आपको पसंद आ रहा है आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बेसिक बेज कलर के ऊपर बहुत ही पॉपिंग से रेड कलर का फ्लावर का प्रिंट है, जो बहुत सही लग रहा है। सो नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस है ये, फुल लेंथ नहीं है ये मैक्सी ड्रेस, ये थोड़ी सी मेरे को तो काफ लेंथ तक आ रही है, क्योंकि मेरी हाइट आई थिंक ज्यादा है, 5'7" है, बट अगर आपकी हाइट कम है तो आपको शायद फुल लेंथ आई है। सो ये आई थिंक ये इस हॉल का सबसे अफोर्डेबल पीस है, आई थिंक 300 की रेंज में मैंने ये मैक्सी ड्रेस बाय करी है। सो इसके यहाँ नेक पे आपको फुल इलास्टिकेटेड मिलता है। सो यहाँ पे इलास्टिक का फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो तो आप इसको इलास्टिक को यहाँ ऐसे भी सेट कर सकते हो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे भी रख सकते हो, मतलब आप ऑफ शोल्डर भी बना सकते हो इसको, या फिर एज इट इज भी पहन सकते हो। सो ये फुल इलास्टिक मिलता है आपको आगे पीछे पूरे नेक पे, ये देखो आप कितना स्ट्रेच हो रहा है ये, एंड पूरा यहाँ पे बस्ट एरिया पे आपको फ्रिल का पैटर्न है। कलर इसका बहुत सही कलर है, इसमें आपको पर्पल के सारे शेड मिल रहे हैं, इसमें लाइलैक मिल रहा है आपको, डार्क पर्पल, डीप पर्पल, मीडियम सब पर्पल कलर, सब पर्पल के सब टोन्स है इसमें बेसिकली। बहुत ही अच्छा फ्लोई ड्रेस है ये, एंड इसकी वेस्ट पे आपको यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाती है दोनों तरफ टाई करने के लिए अगर आपको लूज है तो, एंड इवन इसके वेस्ट पे भी आपको इलास्टिक मिलता है जो अच्छे से आपकी वेस्ट पे सेट हो जाता है। बाकी ड्रेस का फिट ठीक है, सही है, इस प्राइस पॉइंट पर आई थिंक ये काफी अच्छी डील है। 300 की रेंज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर भी मैं इसको बोलूंगी काफी अच्छी डील है। एंड फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर फैब्रिक है, बट स्टिल कंफर्टेबल है। एंड लेंथ आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको फुल लेंथ में आएगा या मिडिल लेंथ में आएगा, बट अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप देख सकते हो कि मेरे को कैसे आ रही है, तो उसी तरीके से आपको आने वाली है। सो 300 की रेंज में नॉट अ बैड डील, गो फॉर इट अगर आपको ये पसंद आ रही है तो, अगर आप बजट में बाय करना चाहते हो कुछ तो। सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट है एक बेसिकली एक ट्यूनिक है, एंड मेरा काफी टाइम से मन था, एंड मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि दी प्लीज कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए, या फिर कोई भी जो ज्यादा लॉन्ग कुर्तीज में कंफर्टेबल नहीं होता है, उनको शॉर्ट कुर्ती चाहिए, ट्यूनिक चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जो आज मैं लेके आई हूँ। सो वो है ये, बहुत ही प्यारी ट्यूनिक है ये, कलर बहुत प्यारा है इसका। सो ये मस्टर्ड येलो कलर की ट्यूनिक है, कुछ इस तरीके का आपको स्क्वायर में नेक मिल जाता है, यहाँ पे आपको डोरी मिल रही है यहाँ पे क्रिस क्रॉस में, ये टाइट भी हो जाता है यहाँ से। सो रियॉन फैब्रिक है इसका, वेस्टलाइन से इसका फ्लेयर स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से, पैम्पल स्टाइल में ये आपको ट्यूनिंग मिल रही है। इसको जीन्स के साथ स्टाइल करो बहुत ही सही लुक आएगा इसका। एंड 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स पे आप देख सकते हो पैटर्न, ये पूरा प्रिंट है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, साथ में फॉइल प्रिंट भी आपको इसमें मिल रहा है। सो साइज मैंने इसमें लिया है एल, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड गॉड ब्लेस। सो फर्स्ट टाइम है कि मैं इस ब्रांड से कुछ बाय कर रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय मोर स्टफ फ्रॉम दिस ब्रांड, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी सही लग रही है, डिसेंट लग रही है, एंड इसका फिट भी काफी अच्छा है। सो कुछ इस तरीके की ट्यूनिक है, जीन्स के साथ बहुत सही लगेगा, ट्रैवल कर रहे हो कुछ कंफर्टेबल पहनना चाहते हो, गो फॉर दिस वन, बहुत सही ऑप्शन है। इस हॉल का सबसे मेरा फेवरेट पीस जो मैं बोलूंगी वो है ये व्हाइट कलर की मिडी ड्रेस है ये, बहुत सुंदर लगी थी मुझे ये ड्रेस जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी थी पिक्चर में ही। सो आई वॉज लाइक आई हैव टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस। इस तरीके का आपको फ्लोरल प्रिंट मिल रहा है इस व्हाइट कलर की ड्रेस के ऊपर, स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके की बंद वाली स्लीव्स मिल रही है कुछ इस तरीके की, फ्लोरल प्रिंट बहुत सही लग रहा है। एंड वेस्ट लाइन से यहाँ पे आपको बेल्ट भी मिल रही है, कुछ इस तरीके की बेल्ट है इसके साथ जो आई हुई है, बकल की डिटेलिंग के साथ, बकल भी बहुत सुंदर है इस बेल्ट का। सो नीचे से कुछ इस तरीके की आपको मिडी लेंथ में ये ड्रेस मिल जाती है, ज्यादा शॉर्ट में नहीं है ड्रेस, विच इज अ गुड पार्ट, जो कम्फर्ट, सो जो ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनते उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये देखो आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा सुंदर आपको फ्लोरल प्रिंट मिल रहा है। सो फ्रंट में यहाँ पे आपको ये डिटेलिंग यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे स्लिट मिल रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर पूरे बटन्स की डिटेलिंग है। सो ये पूरे बटन्स ओपन हो जाते हैं, फंक्शनल बटन्स है ये जो सारे आपको कुर्ती ड्रेस पे मिल रहे हैं। सो बहुत प्यारी प्रिटी ड्रेस है ये, ए लाइन में है बेसिकली ये, यहाँ से नीचे से इसका फ्लेयर थोड़ा सा ए लाइन में जाता है। लुक इसकी बहुत जबरदस्त लुक है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग लुक है इस ड्रेस की। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको पसंद है डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। साइज मैंने इसमें बाय किया है 40, विच इज इक्वल टू आई गेस एल, यस।
सो नेक्स्ट ड्रेस है, इसके लिए मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि आई डोंट नो कैसी लगेगी मुझ पे या कैसी आएगी ये, बट ये थोड़ी सी कुछ इस तरीके की है, आप देखो बाकी आप मुझे बताना। सो पिक्चर में इसका पिंक कलर आ रहा है, बट पिंक नहीं है, मोव कलर है, थोड़ा सा जो प्याजी कलर होता है ना, जो प्याज का अनियन का कलर होता है, वैसा सा कलर है इसका। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रैप्स में मिलती है ये ड्रेस। यहाँ पे इसका जिपर का क्लोजर है, अगर आपको फिटिंग में है मतलब आपको थोड़ी टाइट ली है आपने, तो यहां से आप इसको ओपन करके इजीली पहन सकते हो। सो साइज इसमें मैंने लिया है एल। यहाँ पे आपको फ्रंट में बहुत अच्छा ये डिजाइन मिल रहा है एंड यहाँ पे बटन्स की डिटेलिंग है ब्लैक कलर के। वेस्ट लाइन से इसका फ्लेयर स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा फ्रिल वाला है। यहाँ पे जाली का पूरा मैश का नेट का काम मिल रहा है यहाँ पे आपको, पूरी फ्रिल पैटर्न में है ये पूरी ड्रेस। एंड इसके नीचे आपको लाइनिंग भी प्रोवाइडेड है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है लाइनिंग का। सो बेसिकली सॉलिड कलर में है ये ड्रेस, इसको आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर का कोई श्रग है लेस में या फिर शीयर में, तो आप वो भी इसके साथ स्टाइल कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। बहुत प्यारी ड्रेस है, मुझे काफी अच्छी लगी है। हालांकि मैं इसको लेते टाइम थोड़ी डाउटफुल थी कि पता नहीं कैसी लगेगी ये, बट अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे ना मैक्सी ड्रेसेस ज्यादा फ्लोरल प्रिंट्स में ज्यादा अच्छी लगती है। सो मैं इसलिए थोड़ा सा डाउट में थी कि सॉलिड में है, पता नहीं अच्छी लगेगी पता नहीं लगेगी, बट अच्छी लग रही है, ये सही लग रहा है, पसंद आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अगेन वेरी प्रिटी ड्रेस है, इसको आप अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। सो ये ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर के बिना मेरा हॉल कंप्लीट नहीं हो सकता, यू नो वेरी वेल। सो ये है कुछ इस तरीके की ड्रेस। सो बेसिकली ये यहाँ पे आपको स्पेगेटी कुछ इस तरीके के स्ट्रैप के साथ मिलती है, ये खुल जाते हैं, इनको आप टाई करना पड़ेगा। सो ये काफी डिफरेंट सी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने इसको बाय किया। एंड हालांकि इसका लेंथ मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट लेंथ इसका ज्यादा नहीं है, ये मिडी लेंथ की है। आई थिंक इसको अगर आप स्टाइल करने चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस ड्रेस के ऊपर पहले तो आप डेनिम की जैकेट वेयर कर लो, लाइक डेनिम की जैकेट के साथ, ब्लैक के साथ डेनिम का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफी सही लगेगी। एंड इसके साथ क्योंकि ये फुल लेंथ में नहीं है, ये मिडी लेंथ में है, तो ये ड्रेस है मिडी लेंथ की, तो इसके साथ आप स्नीकर्स पेयर कर सकते हो। व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहनोगे, ऊपर डेनिम की जैकेट, आई थिंक यू आर गुड टू गो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑसम लुक क्रिएट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके का इसका फैब्रिक 100% प्योर कॉटन है। लेंथ से थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग ये फुल लेंथ होगी, बट स्टिल आई थिंक आप ऐसे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको कैरी करके बताया, आप इस तरीके से इसको कैरी कर सकते हो विद व्हाइट स्नीकर्स एंड डेनिम की जैकेट, आई थिंक अच्छी लुक आएगी, मुझे ऐसा लगता है। सो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी है। सो अच्छा फैब्रिक है एंड काफी अफोर्डेबल रेट पे बाय करी है, तो अच्छी लगी है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी है इसकी, अगर आपको पसंद आई है कुछ ये लुक तो आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलना, एंड आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर मुझे फटाफट से फॉलो भी कर सकते हो। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड रील्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स, सो अगर इस कलेक्शन में से आपको कुछ भी पसंद आया और आप बाय करना चाहते हो, तो बाइंग लिंक विच इज अ सिंगल माई हॉल पैक स्टोर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, अभी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।